आज मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का बॉर्डर लेके आई हूँ, लेडीज कार्डिगन का। ये स्क्रॉल बॉर्डर है आपका, और आप इसको चाहे तो केवल बॉर्डर में अप्लाई कीजिए या फिर इससे पूरा कार्डिगन भी बना सकते हो। दोनों ही उसमें इसका लुक अच्छा आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप केवल बॉर्डर में डालें या पूरा कार्डिगन बनाएं। और 14 फंदों की ये बिनाई है और 2 फंदे मैंने इसमें एब्स के लिए लिए हैं। तो 14 के मल्टीपल में फंदे डाल के 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा ले लेने हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये डिजाइन। ये हमारी फर्स्ट रो है राइट साइड से। जैसे ही हम फंदे डालेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर का डिजाइन है, तो जैसे ही हम फंदे डालेंगे अपनी फर्स्ट रो हम इसी तरीके से देंगे। तो देखिए ये फर्स्ट रो है, राइट साइड है हमारी। तो एक फंदा हमने ऐसे ही निकाला, धागे को आगे करेंगे और पूरे फंदे हम उल्टे उल्टे गिनते हुए कंप्लीट करेंगे इसकी। ये रो पूरी हम उल्टी उल्टी बिनेंगे और लास्ट का एक फंदा हम सीधा बिन देंगे ताकि हमारे एजेस ठीक आए। तो ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी सेकेंड रो है, रॉन्ग साइड है हमारी। तो एक फंदा तो हम उल्टा ही निकालेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और बाकी के सारे फंदे हम सीधे बिनेंगे। ऐसे सीधा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे इसको पूरा, और लास्ट की एक एज स्टिच होती है जो उसको हम उल्टा बिन लेंगे। अब हम अपनी थर्ड रो में है, राइट साइड है हमारी। तो इसको एक फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे सीधे में, फिर इसके बाद धागे को आगे करेंगे और ये रो भी पूरी उल्टी उल्टी बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसे हम नॉर्मल उल्टा बिनते हैं वैसे ही इसको पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे, और लास्ट की एक एज स्टिच को हम सीधा बिन लेंगे। अब यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो यहां से आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके बाद अब हमारी 10th रो तक दोनों तरफ से बिनाई पड़ेगी। तो इस रो को ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला फंदा हमने स्लिप करा है इसका, उसके बाद आगे के 7 फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिनने के बाद धागे को गोल घुमा के वापस से आगे लाना है। यहां पर हमें जाली बनानी है क्योंकि, और आगे के 7 फंदे फिर से सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इन्हीं 14 फंदों की बिनाई है। तो 7 फंदे हमने यहां से उल्टे बिनने हैं, फिर एक जाली डालनी है, फिर से 7 फंदे उल्टे बिनने हैं। अब यही रिपीट होगा हमारा आगे भी। तो अब इसके आगे के 7 फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे, तो ये बीच में 14 फंदे हो जाएंगे उल्टे। ये देखिए रिपीट हो रहा है हमारा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमने उल्टे बिने। उसके बाद धागे को गोल घुमा के आगे लाए, जाली आएगी और 7 फंदे आगे के उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से आगे भी अब फिर से रिपीट होगा। 7 फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर जाली आएगी, फिर आगे के 7 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी हमारी। और ये हमारी एक एज स्टिच है लास्ट में, इसको हम उल्टा ही बिन लेंगे। अब देखिए हम अपने 5th रो में हैं, राइट साइड है हमारी। तो एक फंदा हमने ऐसे स्लिप करना है इसका, और इसके बाद इन 2 फंदों को हमें एक करना है, लेकिन हम इसे पीछे से एक करेंगे। तो इस बिनाई में आपको बहुत ध्यान देना है कि किन फंदों को हमें आगे से एक करना है और किसको पीछे से एक करना है। ये ध्यान केवल इसी चीज में देना है, नहीं तो ये गलत हो जाती है। तो ये देखिए इन 2 फंदों को हम पीछे से एक करेंगे। तो पहले हमने नेट वाइज इन्हें ऐसे स्लिप करना है, उसके बाद इस तरीके से
इनको पीछे से ऐसे करके एक कर दिया, दो का एक बना दिया। उसके बाद आगे के पांच फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक दो तीन चार पांच। और ये जो जाली वाला फंदा है, ये देखिए जाली वाला जो फंदा है, इसको हमें एक बार तो सीधा बिनना है, निकालना नहीं है इसको, धागे को आगे करेंगे और एक बार उल्टा बिनेंगे, ये दो फंदे बने। फिर धागे को पीछे करेंगे, सीधा बिनेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, उल्टा बिनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, सीधा बिनेंगे, और धागे को आगे करेंगे, उल्टा बिनेंगे, और तब इसे निकाल लेंगे। तो इससे हमें छह फंदे ऐसे ही बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये छह फंदे हमने इसी तरीके से बनाने हैं, एक ही फंदे से जो जाली वाला फंदा हमने लेना है। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और पांच फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर इन दो फंदों को आगे से एक करेंगे, इन दो फंदों को ऐसे आगे से सिलाई डाल के एक करना है, दो का एक करा। अब हमारा पैटर्न फिर से यहां से रिपीट होगा, एक तो हमारी एक्स्ट्रा स्टिच थी, उसके बाद यहां से रिपीट होगा। तो अब इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे, तो नेट वाइज स्लिप करा और दो का एक कर दिया। ये पैटर्न भी यहां से रिपीट हो रहा है हमारा, ये दो का एक करा। उसके बाद फिर हमने पांच फंदे सीधे बिनने हैं, एक दो तीन चार पांच। तो ये जाली वाला फंदा आया, इसको हमें फिर वैसे ही करना है, पहले सीधा बिना, दूसरी बार में उल्टा बिना, तीसरी बार में सीधा बिना, चौथी बार में धागे को आगे करके उल्टा बिना, पांचवी बार में धागा पीछे करके सीधा बिना, छठी बार में धागा आगे करके उल्टा बिना, और तब इसे निकाल दिया। फिर धागे को पीछे करके आगे के पांच फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक दो तीन चार पांच, और इन दो फंदों को आगे से ऐसे सिलाई डाल के एक कर लेंगे। फिर से आगे से वही पैटर्न रिपीट होगा, इन दो को पीछे से सिलाई डाल के एक करेंगे, और ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है, लास्ट ही एक एज स्टिच सीधी मिलेंगे। रो में है, रॉन्ग साइड है हमारी, तो एक फंदा तो हमें स्लिप करना है। उसके बाद इन दो फंदों को ऐसे फ्रंट लूप से आगे की तरफ से ऐसे करके एक कर देना है, उल्टा बिन देना है। उसके बाद आगे के 14 फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिने, जिसमें से ये जो जाली के फंदे थे वो भी हमने उल्टे उल्टे बिने हैं, 6 फंदे हमने बनाए थे, तो ये 14 फंदे उल्टे बिने। उसके बाद इन दो फंदों को एक करना है, लेकिन इस बार हमें इन्हें बैक लूप से एक करना है, मतलब पीछे से एक करना है। तो इन दोनों को ऐसे पहले नेट वाइज ऐसे स्लिप करेंगे, ऐसे करके इस तरीके से स्लिप करेंगे, उसके बाद वापस से इन्हें अपनी लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे और इधर से पीछे से ऐसे करके सिलाई इन दोनों फंदों में ऐसे करके डालेंगे और उल्टा बिन देंगे इन्हें इस तरीके से। अब फिर से हमारा पैटर्न रिपीट होगा यहां से, ये यहां से, तो इन दो फंदों को आगे से एक करेंगे ऐसे। उसके बाद आगे के 14 फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे, ये देखिए ये 14 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बिने हैं। उसके बाद इन दो फंदों को एक करना है, लेकिन बैक लूप से करना है, पीछे की तरफ से करना है। तो इनको पहले नेट वाइज ऐसे करके स्लिप करेंगे, और स्लिप हमेशा ऐसे ही करना है, ऐसे स्लिप नहीं करेंगे, ऐसे उतारेंगे, और फिर इन्हें दोनों को लेफ्ट निडल में ऐसे चढ़ाएंगे और ऐसे पीछे से, पीछे की तरफ से ऐसे दोनों के अंदर से सिलाई डालेंगे और इन्हें उल्टा बिन लेंगे। फिर आगे से हमारा पैटर्न फिर से रिपीट हो जाएगा, इनको दो को आगे से एक करके पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और लास्ट ही एक एज स्टिच उल्टी बिन लेंगे।
देखिए, अब हम अपनी सेवेंथ रो में है, राइट साइड है हमारी, तो इसका एक फंदा तो हम स्लिप करेंगे। उसके बाद इन दो फंदों को एक करना है हमें बैक लूप से, पीछे से। तो इनको पहले हम इस तरीके से निडल में उतारेंगे, फिर वापस से इन्हें चढ़ाएंगे और ऐसे पीछे से सिलाई डाल के इन दोनों को एक कर देंगे। उसके बाद आगे के चार फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने सीधे बिनने हैं। उसके बाद धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। तो इसी तरीके से हमें पांच बार बिनना है, धागे को आगे करके एक फंदा सीधा। तो ये एक बार तो हमने बिन लिया, फिर दूसरी बार बिनेंगे धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर तीसरी बार बिनेंगे धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर चौथी बार धागा आगे करके एक फंदा सीधा, फिर पांचवी बार धागा आगे करके एक फंदा सीधा। पांच बार बिन लिया, उसके बाद धागे को आगे करेंगे और इसके बाद तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे। देखिए, एक दो तीन, ये तीन फंदे हमने सीधे बिने। उसके बाद इन दो फंदों को आगे से ऐसे एक कर लेंगे। फिर यहां से हमारा पैटर्न फिर से रिपीट होगा। तो देखिए, ये पीछे से एक करने हैं दोनों को, तो ऐसे करके स्लिप करेंगे, पहले वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ाया, पीछे से दो का एक कर दिया। उसके बाद चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर पांच बार हमें वही रिपीट करना है, धागे को आगे लाए और एक फंदा सीधा फर्स्ट टाइम, फिर धागे को आगे लाके एक फंदा सीधा सेकेंड टाइम, धागा आगे लाए एक फंदा सीधा थर्ड टाइम, धागा आगे लाए एक फंदा सीधा फोर्थ टाइम, और धागा आगे लाए एक फंदा सीधा फिफ्थ टाइम। तो ये पांच बार हमने ऐसे ही करा, फिर धागे को आगे लाएंगे और तीन फंदे आगे के सीधे बिनेंगे, एक दो तीन, और फिर इन दो फंदों को आगे से ऐसे सिलाई डाल के एक कर देंगे। अब फिर से हमारा पैटर्न यहाँ से रिपीट होगा और लास्ट ही एक एज स्टिच हम सीधी बिन लेंगे। पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी हमारी। अब देखिए, हम अपनी एट रो में है, रॉन्ग साइड है हमारी, आठवीं रो है हमारी। तो एक फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, इसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक करेंगे, ऐसे इन दो फंदों को आगे से एक साथ उल्टा बिन लेंगे। फिर हमें आगे के 16 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो वन टू थ्री फोर, ये जाली वाले फंदे भी उल्टे ही बिनने, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, ये 16 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिने। उसके बाद इन दो फंदों को एक करना है, लेकिन बैक लूप से पीछे की तरफ से करना है। तो ऐसे करके पहले तो स्लिप करा, फिर ऐसे उतारा और इनके पीछे से ऐसे सिलाई डाल के इन दोनों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे। फिर यहां से रिपीट होगा। तो दो फंदे हमने उल्टे बिने आगे की तरफ से, एक करा दो का, फिर आगे के 16 फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। ये 16 फंदे उल्टे उल्टे बिने, उसके बाद इन दोनों फंदों को एक करना है, लेकिन पीछे की तरफ से। तो पहले इनको ऐसे स्लिप करा, वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ाया और ऐसे पीछे से सिलाई डाल के इन दोनों का एक कर देंगे। फिर आगे हमारा पैटर्न फिर वही रिपीट होगा, इन दो फंदों को आगे से एक करेंगे और 16 फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर इन दोनों को पीछे से एक करेंगे और लास्ट की एक एज स्टिच उल्टी बिन लेंगे। अब हम अपनी नाइन्थ रो में है, नवी रो है हमारी, सीधी तरफ है, राइट साइड है। तो एक फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद इन दो फंदों का एक करना है, लेकिन पीछे से। तो पहले हमने ऐसे स्लिप करना है, वापस से निडल में चढ़ाया और इनको पीछे से एक कर दिया, दो को सीधा बिनते थे। उसके बाद 14 फंदे हम सीधे सीधे बिनेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छ
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। ये 14 फंदे हमने सीधे सीधे बिने, उसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक कर देंगे। ये आपको फली अपने आप दिखने लग जाएगी। तो हमें इन दो फंदों को आगे से एक करना है, फिर यहां से हमारा पैटर्न रिपीट होगा। इन दो फंदों को बैक साइड से एक करना है, तो ऐसे स्लिप करा पहले हमने, वापस से निडल में चढ़ाया और ये दो का एक करा, फिर आगे के फंदे हम सीधे सीधे बिनेंगे। ये देखिए, तो ये सीधे सीधे 14 फंदे बिने। अब इन दो फंदों को आगे से ऐसे एक कर देंगे। अब फिर से हमारा पैटर्न रिपीट होगा, इन दो फंदों को हम पीछे से एक करेंगे और फिर इसके बाद 14 फंदे सीधे सीधे बिनेंगे और इन दो फंदों को आगे से एक करके एक एज स्टिच हम सीधी बिन लेंगे। तो हमारी 10th रो है ये रॉन्ग साइड की और डिजाइन की ये लास्ट रो है। तो देखिए, एक फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब इन दो फंदों को आगे से ऐसे करके एक साथ लेके उल्टा बिनेंगे। अब की बार हमें 12 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं, तो ये बीच के 12 फंदे उल्टे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे उल्टे उल्टे बिने, उसके बाद हमें ये पीछे से एक करने हैं दो फंदों को। तो ऐसे करके पहले स्लिप कराए ने, वापस से ऐसे मिडल में चढ़ाया और इनको पीछे की तरफ से ऐसे पीछे से एक साथ लेके ऐसे उल्टा बिन देना है। अब यहां से फिर से हमारा पैटर्न रिपीट होगा, इन दो फंदों को आगे से एक साथ उल्टा बिनेंगे, फिर आगे के 12 फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। ये 12 फंदे उल्टे बिने, इसके बाद इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो ऐसे पहले स्लिप कराए ने, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और ऐसे पीछे से इन दोनों को ऐसे करके उल्टा बिन दिया। फिर आगे वही रिपीट होगा, दो फंदे आगे से एक करेंगे पहले, उसके बाद 12 फंदे बिनेंगे, फिर इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे और एक एज स्टिच को उल्टा बिन लेंगे। किया है इन्हीं 10 लाइनों का ये पैटर्न है। इसके बाद फिर से हम अपनी फर्स्ट रो से ही कंटिन्यू करेंगे, आगे अपनी पहली रो से ही बिनेंगे दोबारा से। तो इस तरीके का लुक आएगा इसका बनने के बाद। थैंक यू।